और आज फादर्स डे है, इस पर अमिताभ बच्चन की खास पेशकश मैं और मेरे बाबूजी। ये हिंदी जगत का महामंच, और अमित जी आप जब सामने होते हैं शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता शुरू कहां से करें, लेकिन मैं आपकी इजाजत के साथ, क्योंकि आपके पिताजी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसीलिए तू बोलने की हिमाकत में करूंगी। तू न रुका है कभी, तू न थमा है कभी, तू न मुड़ा है कभी, की शपथ की शपथ की शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्योंकि अमूमन इतना वक्त कोई एक इंडस्ट्री में अगर बिताता है, उसके बाद जब हम उस शख्स के समक्ष बैठते हैं तो हम बीती बातों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये तो तीन तीन फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे हैं, अभी भी एक शूट से लौटे हैं अमित जी आप। जी अब चल रही है अभी शूटिंग इसकी। वजीर जी, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें आप व्हीलचेयर बाउंड हैं, यानी पूरी फिल्म में आपके जो सारे इमोशंस होंगे वो एक एंग्री यंग मैन का वॉक नहीं होगा, वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि अमित जी की आंखें बोलेंगी, उनकी बातें बोलेंगी, उनके शब्द रहेंगे। अब जैसा किरदार मिला है वैसे उसको निभाना पड़ेगा। विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी इनकी फिल्म है, उन्होंने इसकी पटकथा लिखी है और उसमें ये एक अपाहिज है, तो ऐसी भूमिका निभानी है इसलिए कुर्सी पर। कुछ ऐसा समझ नहीं आता जो बचा हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नया निकाल कर ले आते हैं। पा के बाद मैं नहीं निकालता हूँ, वो लोग निकाल रहे हैं, लेकिन चुनते तो आप ही को है, आप ही की तस्वीर, आप ही का अक्स उमड़ता है। भाग्यशाली हूँ कि इस उम्र में भी कुछ लोग चुन लेते हैं मुझे। सचमुच किसी को भी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा, पहले हीरो के चॉइस आप ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा एक दूसरी फिल्म आप कर रहे हैं जो है शमिताभ। जी हाँ, ये बहुत बोलचाल की भाषा में होता है अमिताभ शमिताभ, ये उसी तरह का शमिताभ है? ये तो देखने के बाद पता चलेगा अभी, लेकिन वो पहले रिलीज होने वाली है फिल्म। जी हाँ, वो 6 फरवरी को रिलीज होगी, लास्ट स्टेजेस में। ये जी आर बालकी जिन्होंने मेरे साथ चीनी कम और पा फिल्म बनाई थी, इसमें धनुष है जो कि दक्षिण भारत से, रजनीकांत के सन इन लॉ, और अक्षरा कमल हसन की सबसे छोटी बेटी, ये उनकी पहली फिल्म है, तो हम तीन हैं इसमें। बहुत बढ़िया। और एक फिल्म आपकी आ रही है पीकू। पीकू जी, जितने भी लोग ट्विटर पर आपको फॉलो करते हैं, और सारे करते हैं मुझे लगता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करता होगा, उसमें आपने जिक्र बहुत बार किया है कि आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और जब हमने देखा तो पता चला, जब आप ग्रेजुएशन करके कोलकाता गए थे तो वहां पर एक बॉक्स वाला की तरह वहां पर आप काम करते थे, हालांकि हम सब चाहेंगे कि आप बांटे क्या था वो दौर, क्या है वो सारी चीजें। वो क्योंकि इसकी शूटिंग कलकत्ते में हो रही थी, तो जितनी भी पुरानी यादें थी वो सब सामने आ रही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली से नौकरी ढूंढने गया था मैं कलकत्ता, और वहां पर 7 साल में रहा, तो अब तो बहुत बदल गया, लेकिन जब उन गलियों में जाते हैं तो पुरानी यादें याद आती हैं। एक बॉक्स वाला क्या करता है ये? मुझे तो ये बताइए, बॉक्स वाला होता क्या पहले? मुझे वही, शब्द ही नहीं मालूम क्या होता। यही शब्द पढ़ा मैंने आपके बारे में कि आप कोलकाता में थे, शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी। जी नहीं, ये एजेंट ब्रिटिश एजेंसी हाउसेज होते हैं जो कि मैनेज करते हैं किसी का बिजनेस, अब उनको बॉक्स वाला कहते हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों बॉक्स वाला कहते हैं, लेकिन जी हाँ उनके यहाँ नौकरी की थी मैंने। उनके यहाँ 7 साल का वक्त? जी 7 साल। जिसके बाद अमित जी? जी उसके बाद एक इश्तेहार निकला फिल्म फेयर और माधुरी का, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी जो मैगजीन थी जी, उनका इश्तेहार निकला था कि वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं, और एक कंपटीशन था, उसमें बहुत से लोग अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद आपको एक अवसर मिलता था जहां आप जाकर के एक स्क्रीन टेस्ट दें, अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाएं आप, और फिर उसके बाद अगर आप चुने गए तो आपको 5,000 रुपये मिलने वाले थे, और तकरीबन 6 बहुत ही प्रख्यात जो कि डायरेक्टर्स थे उस जमाने के, उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें फिर अप्लाई किया मैंने और प्रिलिमिनरीज में ही फेल हो गया, तो फिर वापस आ गया। लोग अभी भी हौसला हासिल करते हैं उस चीज़ को सोचकर, जब भी कोई किसी चीज़ में फेल करता है उसे कहा जाता है
अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्ट किया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ और फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार मन लग गया उसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं मुंबई आ गया काम ढूंढने के लिए। क्योंकि हम फ्लैशबैक में जा ही चुके हैं, इसलिए हम सुपर फ्लैशबैक में जाते हैं। जब अमित जी आज भी बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन का जिक्र आता है सामने, तो हम एक अलग अमित जी को देखते हैं, एक अलग बच्चन साहब को वहां पर देखते हैं। हमने एजेंडा के लिए जब सबको आमंत्रित किया था और उसमें कहा था अमिताभ बच्चन के साथ हमारा सेशन होने वाला है, तो हमने मधुशाला का जिक्र किया था। आपकी आवाज, वो अल्फाज मिलते ही एक एक अजीब सा जादू, अजीब सा तिलिस्म आता है वहां। अमित जी की सबसे पसंदीदा पंक्तियां उसमें कुछ हैं जो आप बार बार पढ़ते हो, बार बार कहते हो? कुछ पंक्तियां हमारे लिए कह रहे हैं यहाँ पर। मुझे कुछ पंक्तियां याद है, मैं सुना दूंगा। जी जी। हम तो यहाँ से, मैंने तो यहाँ रखा है कि इसमें मैं पलट पलट के बोलूं, ये वाला भी सुना दीजिए। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया। पूरी 135 पंक्तियाँ उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियाँ उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने, और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना, उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं हैं तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबूजी ने अपने एक संस्करण में, परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्थों के कुल में पैदा हुए थे। कायस जात होती है, पता नहीं आप में से कोई है यहाँ पर। अच्छा, तो कायस्थों के कुल में पैदा हुए जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे, और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शाहबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया अंधे होकर के, उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे, उनकी एक रोसो छपी थी जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए,
अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना लिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा, अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिखरावे। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहू होए प्रधान भरे घर राज थमावे। बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियंतो, दिन भर जो है वो पीता ही रहेगा कायस। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मतवाला, ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहां जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तुलसी मेरे होठ पे मत रखिएगा प्याला रख दीजिएगा, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हैं, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता पर मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट था उस जमाने में। नहीं तो गुनगुना नहीं पाएंगे सर, पहुंचा देता मधुशाला। कई कविताएं पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होती हैं बाबूजी की, कई कविताएं हैं जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, चाहे वो बाट की पहचान करनी हो, संबंधों के बारे में कहा जाए। एक कविता अगर आप मेरे निवेदन पर सुना दें, इस पार प्रिय मधु है वो लंबी है बहुत कविता, कुछ पंक्तियां कुछ हल्की पुल्की ये चीजें आपको सुना देता हूं। और आपने नौकरी की बात की थी, कलकत्ते जाकर के नौकरी की, देखिए जी 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 मान्यवर मेरे पास रात भर नहीं है, तो हमारे जमाने में मैं 1958 की बात कर रहा हूँ, घर में ऐसा वातावरण होता था कि अब लड़का स्कूलिंग हो गई, अब स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा ये रहता था कि ग्रेजुएट एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ग्रेजुएट हो जाओ यार,
आजकल के नौजवान तो 5-6 साल की उम्र से बता देते हैं कि उनको क्या करना है, और यहाँ पर सब बहुत ही विख्यात और शानदार क्रिकेट के महारथी बैठे हुए हैं इनको, और कहीं ना कहीं इनके मन में आया होगा कि हम जा करके क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत पहले से तैयारी कर दी। हमारे ज़माने में ये था कि माँ बाबू जी कहते थे ग्रेजुएट हो जाऊँ, तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें ग्रेजुएशन हो गया कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथी जन सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया कहीं नौकरी नहीं मिल रही क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा यार ऐसा है गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है, और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम, पैदा किया इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है, और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने में गया, कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, मैंने कहा आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था।